स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर आदि शक्ति माँ पाटेश्वरी विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए बच्चों और अध्यापक के बीच अभिभावक का समन्वय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। पाटेश्वरी पब्लिक स्कूल तुलसीपुर बलरामपुर की तरफ से सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, समाज के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। साथ में मैं अपने विद्यार्थियों और अभिभावकों को भी कुछ मैसेज देना चाहता हूं। बच्चों के शिक्षण स्तर को उच्च बनाए रखने के लिए अभिभावक स्कूल प्रबंधन का सहयोग करें, जो कि मेरा निवेदन है। अभिभावक घर में ऐसा माहौल तैयार करें जिससे बच्चों में नैतिक मूल्यों व शिष्टता आदि गुणों को बढ़ावा मिले। स्कूली शिक्षा से विद्यार्थी के ज्ञान का विकास तो होता है, लेकिन बौद्धिक और संस्कारों के विकास के लिए विद्यार्थी को स्कूल के अलावा घर में भी ऐसा माहौल चाहिए होता है। विद्यार्थी में इन गुणों के विकास के लिए आवश्यक है कि अध्यापक व अभिभावक एक दूसरे के संपर्क में रहें। मुख्य बात यह है कि कोविड के बाद बदलते हालात में स्कूल और अभिभावक दोनों की जिम्मेदारी बढ़ी है। 2 वर्षों तक ऑफलाइन पढ़ाई से दूर रहने पर बच्चे शरारती हो गए हैं, उन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। स्कूल प्रबंधन शिक्षा के साथ साथ अनुशासन के लिए भी जिम्मेदार है, ये इस बात से हम मुकर नहीं सकते हैं, इससे हम दूर नहीं रह सकते हैं। लेकिन अभिभावकों को भी अपने बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि उनकी शिक्षा में कोई बाधा न आए। और ये इसी संदेश के साथ मैं चाहता हूं कि बच्चे अनुशासित रहें, पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, मेरा नाम अमित कुमार गुप्ता है और मैं आदि शक्ति माँ पाटेश्वरी पब्लिक स्कूल तुलसीपुर भवानीपुर का शिक्षक हूँ। सर्वप्रथम मेरे प्यारे अभिभावकों और मेरे प्यारे बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सब को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा विद्यालय कल यानी दिनांक 15 अगस्त को 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, जिसमें हमारा जो उद्देश्य है वो है बच्चों के प्रति हमारे राष्ट्र का जो निर्माण है उसके प्रति जागरूक करना, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हर घर तिरंगा जो कार्यक्रम बनाया गया है, जो पिछले साल हम लोगों ने रैली के माध्यम से निकाला था। हम चाहते हैं कि आप सभी अभिभावकगण, हमारे प्यारे बच्चे, अपने घर पर एक तिरंगा झंडा अवश्य फहराएं, जिससे हमारे राष्ट्र गौरव बढ़ा रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आज शक्ति माँ पाटेश्वरी पब्लिक स्कूल में हिंदी शिक्षिका पद पर कार्यरत हूँ। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे मैं पूरे भारतवासियों को हार्दिक बधाई देती हूँ कि आप सभी इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ कराएं, अपने वीर शहीदों को याद करें जिन्होंने भारत देश को आजाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दी, उनको हम याद करें। और जैसा कि 13 अगस्त से लेकर के और 15 अगस्त तक हमें हर घर तिरंगा झंडा फहराना है, तो सभी लोग अपने अपने घर पे उस तिरंगे को लगाएं और उसका सम्मान करें। मैं मनोज यादव, शिक्षक आदि शक्ति माँ पाटेश्वरी पब्लिक स्कूल, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों और खास तौर से तुलसीपुर वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और स्वतंत्रता दिवस को याद करते हुए सभी लोग अपने घर पे तिरंगा झंडा फहराएं और इस राष्ट्रीय पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। धर्मानाथ पांडे, स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का, आप सभी अभिभावकों का, और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, कल हमारा देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है और इसके लिए आपने, हमारे शिक्षकों ने और हम सब ने मिलकर के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की तैयारी की है। उम्मीद करता हूं कि कल आप सभी लोग इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और इस पूरी श्रृंखला को सफल बनाएंगे। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं हमारे विद्यालय आदि शक्ति माँ पाटेश्वरी पब्लिक स्कूल भवनियापुर तुलसीपुर में, जिसमें कल
बहुत ही धूमधाम से हमारा स्वतंत्रता दिवस समारोह संपन्न होगा।